अब तक आपने देखा कि कैसे गांव की औरतों ने उस घायल महिला की खबर मोती सिंह जी को बताई। मोती सिंह जी जो कॉर्बेट के मित्र थे तुरंत रवाना हुए कॉर्बेट साहब के घर के लिए। खबर मिलने के बाद हमने देखा कि कैसे कॉर्बेट रामनगर पहुंचे, वहां से गर्जिया, फिर मोहान और अंत में काट कनोला गांव, जहां उन्हें एक औरत मिली जिसने उनसे कई सारे सवाल पूछे। अब आगे की कहानी। आप में से जो लोग भारत की महिलाओं को जानते हैं वह महसूस करेंगे कि कॉर्बेट साहब ने काफी कुछ हासिल कर लिया था उस समय, खासकर जब इस इलाके में हाल ही में पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक हो गई थी। कुछ देर उस औरत के पास खड़े होके और उसके सवालों का जवाब देकर उन्होंने उसे अपना दोस्त बना लिया था। अब वो कॉर्बेट साहब के आने की खबर पूरे गांव में फैला देती है और लोगों को पता चल जाता है कि कॉर्बेट साहब उस नरभक्षी को मारने के लिए वहां आए हैं। वन विभाग के कर्मचारियों के झोपड़े कुछ 20 गज की दूरी पर सड़क के बाईं ओर थे और जैसा कि दरवाजा चेन से बंधा हुआ था उन्होंने चेन को खोलकर अंदर प्रवेश किया। कमरा लगभग 10 स्क्वायर फीट का था और साफ सुथरा था, परंतु एक अजीब सी महक उसके अंदर से आ रही थी। उन्होंने इस बात को समझा कि झोपड़ा 18 महीनों से खुला नहीं है जब से वो आदमखोर इस क्षेत्र में आया है। इस कमरे के साथ और 2 कमरे भी थे जिनमें से एक रसोई घर और दूसरा सामग्रियां रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये झोपड़ा उन्होंने सोचा कि उनके आदमियों के रहने के लिए सही होगा। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। वो बाहर को गए और उन्होंने एक जगह देखी जो कि झोपड़े और सामने की सड़क के ठीक बीचों बीच स्थित थी, जहां उन्होंने अपना 40 पाउंड का टेंट लगाने को सोचा। यहां किसी भी तरह का फर्नीचर नहीं था, तो कॉर्बेट साहब एक पत्थर पर जा बैठे और अपने आदमियों का इंतजार करने लगे। उन्हें उस पत्थर पर बैठे 10 मिनट हो गए थे। उन्होंने गांव की दिशा से एक चट्टान की ओर से एक सर को देखा जो कि सामने की तरफ आ रहा था। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा सर देखा और फिर तीसरा। वो समझ गए थे कि उस औरत ने अपना काम कर दिया है और अब गांव के लोग उन्हें वहां मिलने के लिए आ रहे हैं। जब अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं तो किसी विषय के ऊपर जानकारी लेना पसंद करते हैं। इसके पश्चात कभी कभी वो दूसरे इंसान की निजी जिंदगी में दखल दे देते हैं जो उचित नहीं होता है, जैसे कि कुछ सवाल, क्या आप शादीशुदा हैं, आपके कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। जो लोग पहाड़ों में लोगों के साथ नहीं रहे हैं उन्हें ये सवाल जमेंगे नहीं और वो इन सब चीज़ों को लेके उनसे खफा भी हो सकते हैं। आखिर में कॉर्बेट साहब के लोग वहाँ सामान लेके पहुँच जाते हैं। उन्होंने एक केटली बहुत कम समय में कुछ लकड़ियों के ऊपर रख दी और वो बलने लगी। साथ ही में शाम की चाय के साथ बिस्किट भी आए गए। जैसे ही कॉर्बेट साहब ने दूध का डब्बा खोला तो वहाँ बैठे लोगों ने उनसे पूछा, साहिब आप ये डिब्बा वाला दूध क्यों पी रहे हैं? कॉर्बेट ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सुना था कि कुछ दिनों से काट कनोला में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो अपने साथ सारी चीज़ें लेके आए हैं जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। काट कनोला के सरपंच को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आपके लिए यहाँ सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही ले रखी हैं। कॉर्बेट ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपसे दूध खरीद लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद कॉर्बेट साहब ने अपने सेवकों को बताया कि उन्हें उनका टेंट कहाँ चाहिए। टेंट का नाम सुनते ही गाँव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, साहिब ये जानते हुए कि आदमखोर इस इलाके में घूम रहा है और वो रोज सामने वाली सड़क का इस्तेमाल करता है, इसके पश्चात आप यहाँ तंबू में सोना चाहते हैं? कॉर्बेट साहब को लगा कि अगर आदमखोर उन्हें बाहर नहीं मारेगा तो उनके सेवकों को अंदर जरूर मार देगा, इसलिए उन्हें बचाने के लिए कॉर्बेट ने गांव वालों की बात मानी और झोपड़े के बड़े कमरे में सोने का फैसला किया। इसी के साथ 2 सेवकों को उन्होंने रसोई घर में भेज दिया और 6 गढ़वाली जो उनके साथ आए थे उन्होंने दूसरे वाले कमरे में सोने का फैसला किया। जो रास्ता उस पेड़ की तरफ को जा रहा था जहां बाघ ने अपना आखिरी हमला किया था वो उन्हें दिखा दिया गया था और साथ ही में उन्हें उन परिस्थितियों से भी गांव वालों ने वाकिफ कर दिया था जिसमें उस औरत का शिकार हुआ था। जिस सड़क का इस्तेमाल वो आदमखोर बाघ रोज रात को करता था वो पूरब की ओर बेताल घाट और पश्चिम में चकनाल जो कि रामगंगा नदी किनारे स्थित है वहां आती थी। जो सड़क काटकनोला और चकनाल के बीच पड़ती थी उसे उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक जगह माना जाता था क्योंकि आदमखोर का निवास था वहां। खेतों का सबसे बड़ा हिस्सा काटकनोला गांव के पहाड़ की उत्तरी दिशा में है। इसी के साथ यहां कई चट्टान और गहरी खाइयां भी हैं। इन चट्टानों के सबसे नजदीक लगभग 1000 गज के फासले पे एक बहुत बड़ा पेड़ है जहां पे 10 दिन पहले बाघ ने एक औरत को मारा था और उसे आधा खा गया था। और जो 3 शिकारी पहले इसे मारने को आए थे उन्होंने 3 अलग अलग मचानों पे बैठ के इसका इंतजार किया था। उस समय चांद अच्छे से निकला हुआ था और गांव वालों ने रात को गोली चलने की आवाज काफी बार सुनी थी। 2 दिन के बाद उस बाघ ने गाय का शिकार किया था जिसके शव के ऊपर शिकारी मचान बनाकर बैठे हुए थे। एक बार फिर गांव वालों ने रात को गोलियां चलने की आवाज सुनी। शिकार शिकारियों के लिए एक दिलचस्प खेल है, परंतु आदमखोर को ना पकड़ पाना और उसे अपने सामने और बड़े होते हुए देखना
एक बहुत बड़ी समस्या भी है। कॉर्बेट साहब को गांव वालों ने एक और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें उस आदमघोर के आने का पहले से ही पता चल जाया करता था, क्योंकि वो हमेशा एक धीमी आवाज़ में बोलते हुए आता था। उनसे थोड़ा और सवाल पूछते हुए कॉर्बेट को ये पता चला कि जब गांव वालों के घरों के बीच से गुजरता था तब वो काफ़ी बार ऐसी आवाज़ में बोलता था और कभी कभी एकदम चुप हो जाया करता था। इन सब जानकारियों से कॉर्बेट साहब ने अनुमान लगाया कि एक तो ये बाघ घायल है, दूसरा उसे अपने इस घाव का एहसास तभी होता है जब वो चल रहा होता है, और तीसरी बात कि घाव उसके एक पाँव में हुआ है। मुझे गांव वालों की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि उस बाघ को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी थी, खासकर कि उन दो शिकारियों की तरफ से जो कि इसे मारने आए थे। कॉर्बेट साहब ने गांव वालों को बोला कि आप मानो या ना मानो, लेकिन इस बाघ के आदमखोर बनने की वजह वो घाव ही है। इस बात की पुष्टि तो तभी की जाएगी जब उस कातिल बाघ के शरीर को मृत हालत में परखा जाएगा। सब लोग उनसे इस बात को लेकर पूछताछ कर रहे थे कि कॉर्बेट साहब को उस बाघ की आवाज़ में इतनी दिलचस्पी क्यों है। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि ये घाव उसे या तो एक गोली की लगने की वजह से हुआ है या तो फिर एक साही यानी पॉक्यूपाइन के कांटों के चुभने की वजह से हुआ है। उनकी बात को धिक्कारते हुए गांव वालों ने कहा कि ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि उन्होंने बाघ को सही हालत में पाया है, और जिस तरह वो लोगों का शिकार करता है उस हिसाब से उसके शरीर की हालत एकदम स्वस्थ है। जो बातें कॉर्बेट ने उन्हें बताई थी उन्हीं ने आगे जाके कॉर्बेट साहब को गांव वालों की नज़रों में भगवान का दर्जा दिलाया था। कॉर्बेट साहब जब रामनगर से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां के तहसीलदार को कहा था कि वो उन्हें दो भैंसे मोहन भेज दें जहां से उनके लोग उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि वो एक भैंस को उस पेड़ के पास बांधेंगे जहां उस बाघ ने 3 दिन पहले हमला किया था, और दूसरे को चकनाकल जाती हुई सड़क के किनारे। उन्हें इन दोनों जगहों से बढ़िया जगह कोई नहीं लगी, पर उन्होंने लोगों से ये कहा कि अगर आप लोगों को कोई और जगह लगती है तो मुझे आप सुबह बता देना। चांद लगभग सर पर चढ़ चुका था और कॉर्बेट साहब ने वहां के सरपंच से इजाजत ली और जाते जाते उनसे ये कहा कि कल वो आसपास के गांव के लोगों को बता दे कि वो यहाँ क्यों आए हैं, और साथ ही में अगर उन्हें बाघ दिखाई देता है तो उसकी गतिविधियों के बारे में उन्हें ज़रूर बताया जाए। कमरे में बासी गंध अब काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत थी। कॉर्बेट ने उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए नहाने को चले गए और रात के खाने के बाद अपने कमरे के दरवाजे को 2 पत्थरों की मदद से बंद कर दिया और सोने को चले गए। कॉर्बेट हमेशा से ही कच्ची नींद में सोते थे और सोने के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद उन्हें एक जानवर के जंगल में घूमने की आवाज़ सुनाई दी। अपनी बंदूक और टॉर्च को हाथ में थामे और पत्थरों को हटाते हुए वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, ये सोचते हुए कि शायद बाघ उन्हें दिख जाए, पर वो बाघ के साथ साथ एक तेंदुआ भी हो सकता था। जंगल घना होने की वजह से वो रात को ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए और वापस अपने कमरे में आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस आके उन्होंने महसूस किया कि उनका गला खराब हो गया है, जो उन्हें लगा कि मोहन से धूप में सफ़र करने के बाद जब वो ठंडी हवा में बैठे थे शायद वहाँ हो गया हो। परंतु सुबह जब उनका सेवक उनके लिए चाय लेके आया तो उन्होंने पाया कि उन्हें लारेंगिटिस हो गया था उस कमरे में सोने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे चमगादड़ों का पहले से ही निवास था। उनके सेवक ने उन्हें बताया कि जो 6 गढ़वाली उनके साथ आए थे उनकी हालत भी आपके जैसी हो गई है साहेब। कॉर्बेट साहब की दवाइयों में एक शीशी आयोडीन की और कुछ क्विनाइन की गोलियाँ थी जो उनकी बहन ने रखी थी। उन्होंने आयोडीन को गर्म पानी में डाल के गरारे किए। उनके दांतों का रंग तो बदल गया पर उनके गले को काफ़ी राहत मिली। सुबह के नाश्ते के बाद कॉर्बेट ने अपने 4 आदमियों को मोहन भेज दिया भैंसों को लाने के लिए, और वो खुद निकल पड़े बाघ की तलाश में। जगह पे पहुंच के उन्होंने देखा कि घास का बंडल, एक रस्सी, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी जिसका इस्तेमाल उस औरत ने किया था, और साथ ही में 2 और घास के बंडल थे जिन्हें गाँव की औरतें वहाँ पे बाघ की डर की वजह से छोड़ के चली गई थी। कॉर्बेट को बताया गया था कि उस औरत का शव बरामद नहीं हुआ था और बस उसकी चीज़ें ही मिली थी। उनका अनुमान था कि लोगों ने ठीक से उस औरत को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें पता था कि उनके लोग भैंसों को लेकर रात होने से पहले उन तक नहीं पहुंचेंगे, तो दोपहर के खाने के बाद वो उस सड़क पर निकल पड़े जो चकनाकल को जाती है। सड़क चढ़ती और उतरती काफ़ी सारी खतरनाक चट्टानों से गुजरे थे कॉर्बेट साहब इस दौरान। कॉर्बेट साहब ये जानते थे कि जब एक बाघ किसी रास्ते से गुजरता है तो अपनी निशानियाँ उस रास्ते पर छोड़ के जाता है, जो कि एक शिकारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि पेड़ों पर खरोंच के निशान, उसके पंजों के निशान। इन सब चीज़ों से वो अनुमान लगा सकते थे कि बाघ नर है कि मादा और किस दिशा में गया है। साथ ही वो समय जिस दौरान वो इस जगह से गुजरा था उसका अनुमान भी लगाया जा सकता था इन सब चीज़ों से। जंगल में अकेले भटकते कॉर्बेट साहब अपनी राइफल को अपने कंधे पर रख के महसूस कर रहे थे कि अचानक से नीचे की ओर से उन्हें एक सांबर की कॉल सुनाई दी जो मोहन की तरफ से आ रही थी। इसी के साथ चकनाकल की ओर से लंगूरों और काकड़ भी कॉल करना शुरू कर चुके थे अब तक,
कि टाइगर या लेपर्ड उस इलाके में मौजूद है। कॉर्बेट साहब के सेवकों ने उनके कमरे में सुबह से ही आग जलानी शुरू कर दी थी ताकि बची कुची गंद कमरे से बाहर निकल जाए। कॉर्बेट पिछली रात के बाद किसी भी हालत में उस कमरे को बंद करके सोने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने आदमियों को बोल के दो कांटेदार झाड़ियां मंगाई और उन्हें कमरे के दरवाजे के बीच में रख दिया ताकि सामने से कोई जानवर ना आ सके। पिछले दरवाजे से जंगल में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी उस रात, और चैन की नींद सोने के बाद अगली सुबह वो उठे तो उनका गला और ज़्यादा बेहतर हो गया था। सुबह का समय ज़्यादातर उन्होंने गाँव वालों से उस बाग के बारे में और उसके द्वारा किए गए हमलों को सुन के गुजारा। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने एक भैंस को एक जगह बांधा जहाँ से वो पिछली बार औरत को घसीट के लेके गया था, और दूसरे को उन्होंने एक हेयरपिन बैंड पे बांधा जहाँ उन्होंने उसके पंजों के निशान देखे थे। अगली सुबह उन्होंने पाया कि दोनों भैंसे आराम से सो रहे हैं, खासकर की घास को खाने के बाद में जो उन्होंने उनके खाने के लिए वहाँ छोड़ी थी। उन्होंने उन दोनों के गलों में घंटियाँ बांधी थी, पर वो इस बात से निराश हुए कि जब वो खुद उनकी तरफ बढ़ रहे थे तब भी उन्हें घंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं दी क्योंकि वो दोनों आराम से सो रहे थे। इसे देख कॉर्बेट साहब ने एक भैंस को दूसरी जगह एक पानी के किनारे बांध दिया। अब उनका गला काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, पर अभी भी उनके लिए एक स्थान पर बिना खांसे बैठना अभी भी मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इस बाग के पीछे खुद ही जाएंगे। उन्होंने अपनी दोनों भैंसों को अलग अलग जगह पर एक 4 इंच मोटी रस्सी से बांध दिया, और इस बार कस के दोनों रस्सियों से उन्होंने उन दोनों भैंसों को बांध दिया ताकि रस्सी किसी भी हालत में टूट ना पाए। अब वो सुबह शाम भैंसों को देखते और बाघ का कुछ देर वहीं पे इंतज़ार करते, क्योंकि अगर बाघ को एक जगह शिकार आराम से करने को मिल गया तो वो दिन हो या रात फिर नहीं देखता। इंतज़ार के दौरान वो अपने गले की मरम्मत करते और उनके सेवक भैंसों को खाना और पानी देते रहते थे। चौथे दिन की शाम जब कॉर्बेट साहब भैंसों को देखने के बाद काटकनौला को वापस जा रहे थे तब उन्हें पहली बार आसपास उन्होंने खतरे को महसूस किया और उन्हें लगा कि टाइगर उनके सामने वाले पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। 5 मिनट के लिए वो एकदम उस जगह पे खड़े रहे और अपनी आंखें अपने सामने वाले पत्थर पर जमा के रखी कि किसी तरह की हलचल दिखे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आगे बढ़े और फिर एक जगह रुक गए और इंतज़ार किया। देखा जाए तो उन्हें बाघ को उस इलाके में पाने का आभास हो गया था, परंतु जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को पार किया तो उन्हें बाघ की आवाज़ बहुत धीमी ध्वनि में सुनाई दी, और उसी के कुछ क्षण बाद एक काकड़ और एक सांबर की कॉल भी उन्हें सुनाई दी। टाइगर बड़ी ही चालाकी से कॉर्बेट साहब की नज़रों से ओझल हो गया था। कॉर्बेट जानते थे कि बाघ वहाँ मौजूद था। ये उनकी 6th सेंस छठा दिमाग ने उन्हें एक तरीके का इशारा दिया था। जब वो वापस खेतों में पहुंचे तो वहाँ कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि कैसे उन्हें एक सांबर और काकड़ की आवाज़ सुनाई दी, और बोला कि कल के दिन से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। उस रात एक तूफान आया था जो अपने साथ काफ़ी बड़ी तादाद में बारिश लेके आया था। उन्होंने पाया कि उनके कमरे की छत से पानी नीचे की ओर टपक रहा है, हालांकि उन्होंने एक जगह देखी जहां पानी कम टपक रहा था। उन्होंने अपने बिस्तर को लिया और वो उस जगह पर जाके सो गए। सुबह हुई और मौसम एकदम सुहाना हो गया था। नए सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हर रोज़ की तरह कॉर्बेट साहब एक बार फिर भैंसों को देखने के लिए अपने घर से निकल पड़े। वो भैंसों को एक पत्थर के ऊपर से बैठ के देखते थे। उन्होंने इस जगह को बाघ के ऊपर हमला करने के लिए चुना था। जब वो पत्थर के ऊपर से नीचे की ओर देखे तो वो पाते हैं कि एक भैंस गायब है। धीमे कदमों से वो नीचे उतरते हैं और पाते हैं कि एक रस्सी पूरी तरह से टूट चुकी है और दूसरी रस्सी को बाघ ने अपने दांतों से काटा था, क्योंकि रस्सी पर चबाने के निशान थे। उनके हिसाब से जब एक बाघ अपने शिकार को गले से उठा के लेके जाता है तो उसके पाँव के निशान ज़मीन पर रेंगते हुए छुट जाते हैं। अगर वो शिकार को पीछे से उठाता है तो आगे के और पीछे के पाँव के निशान नहीं पाए जाते हैं ज़मीन पर। कॉर्बेट उन निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पहुँचते हैं और रुक जाते हैं। टाइगर ने इस जगह पर आके एक छलांग लगाई थी और इस चक्कर में उसके मुँह से भैंस गिर गई थी। इस चक्कर में और हलचल में वो अपना रास्ता भूल जाता है। वो भैंस को इस बार पीठ से उठाता है और जंगल में गायब हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि पीठ से जब वो अपने शिकार को उठाता है तो उसके निशान ज़मीन पे नहीं मिलते हैं। कॉर्बेट साहब को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई निशानों के मिट जाने की वजह से। बारिश होने की वजह से सूखे पत्ते गीले हो चुके थे और जंगल में आराम से बिना कदमों के शोर से चला जा सकता था। थोड़ी दूर आगे जाके वो देखते हैं कि उन्हें कुछ लाल और काले रंग की चीज़ दिखाई दे रही है। उनका मानना था कि कोई भी शिकारी अगर बाघ के शिकार पर जा रहा होता है उसे इन दोनों रंगों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइगर के रंगों से मिलते हैं।
पर थोड़ा नजदीक से जाके उन्होंने पाया कि वो टाइगर नहीं बल्कि उसका शिकार था। जो लाल रंग था वो खून था, और जो काली चीज उन्हें दिख रही थी वो उस भैंस की हड्डियां थी। वो समझ गए कि अगर शिकार यहाँ है तो शिकारी भी आसपास ही होगा कहीं। दोस्तों, बाघ अक्सर एक जगह पर नहीं बैठता है। उसका कारण ये है कि मक्खियां उसे बहुत परेशान करती हैं, इसलिए वो अपना बैठने का स्थान बार बार बदलता रहता है। अब इतने में कॉर्बेट साहब को खांसी आनी शुरू हो गई। वो समझ गए थे कि बाघ उनके बहुत करीब है, और अगर वो खांसे तो कुछ भी हो सकता है। अक्सर मौकों पे उन्होंने अपनी खांसी को रोका है। बड़ी ही चतुराई से उन्होंने लंगूर की आवाज़ में खांसना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि बाघ समझा कि लंगूर उसे देख के ऊपर पेड़ों से बोल रहे हैं। कदमों की रफ्तार को धीमे करते हुए वो आगे जंगल में बढ़े और देखा कि घास का कुछ हिस्सा दबा हुआ है और घास वापस ऊपर को उठ रही है। उन्हें समझ में आ गया कि बाघ अभी यहाँ बैठा हुआ था और उसे शायद उनके आने का पता लग गया, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। पर धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी तो शायद ये कारण भी हो सकता है उसके जाने का वहाँ से। आगे उन्होंने देखा कि एक पेड़ नीचे गिरा हुआ था। उनको लगा कि बाघ उस पेड़ के पीछे है। गौर से देखने पे उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे से बाघ की पूंछ दिख रही है। पूंछ दूसरी दिशा में उन्हें दिखी, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि उसका मुंह उनकी तरफ होगा। धीरे धीरे कॉर्बेट साहब आगे बढ़े। उन्हें लगा कि जैसे ही वो अपना मुंह उस पेड़ के आगे ले जाएंगे, टाइगर उन पर तुरंत हमला कर देगा। उस वक्त पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में एक बात आई कि ब्रिटेन की एक मैगजीन जिसका नाम पंच था, उसमें एक ऐसे ही किस्से के बारे में लिखा हुआ था। अफ्रीका में एक शिकारी गया था तो शेर उसके ऊपर खड़ा था, और यहाँ वो ऊपर हैं और बाघ उनके नीचे। थोड़ा आगे जाके उन्होंने बाघ के पाँव को देखा जो कि फैले हुए थे। उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर बाघ उन पर कूदने वाला होता तो उसके पाँव उसके शरीर के नीचे होते। अच्छे से देखने पे उन्हें अब टाइगर का पूरा शरीर दिखाई दे गया। बाघ आराम से ऊपर की दिशा में देखते हुए सो रहा था, उसकी आंखें एकदम बंद थी। कॉर्बेट को इससे अच्छा मौका उस पर गोली चलाने का नहीं मिल सकता था। एकदम से उन्हें ध्यान आया कि उनकी राइफल तो लॉक है, जब तक वो लॉक खोलेंगे तब तक आवाज़ सुन के बाघ उन पर हमला कर देगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे लॉक भी खुल जाए और गोली भी चल जाए तुरंत। .450 राइफल से उन्होंने पहली गोली चलाई और वो सीधा जाके बाघ के सर में लगी। इस बंदूक की गोली काफ़ी मोटी होती है दोस्तों। इसी के साथ उन्होंने दूसरी गोली चलाई। हालांकि बाघ पहले ही गोली में मर गया था, उसका हिलना अब बिल्कुल बंद हो चुका था। अब वो पहाड़ी की दूसरी तरफ गए और अजीब सी आवाज़ में उन्होंने अपने लोगों को एक संकेत दिया। आदमियों ने गोली चलने की आवाज़ पहले से ही सुन ली थी, और सिग्नल मिलने के बाद वो तुरंत ऊपर की ओर रवाना हुए। कॉर्बेट साहब ने फैसला किया कि वो इस आदमखोर की खाल को यहीं छीलेंगे, परंतु गांव के लोगों में इतनी उत्सुकता थी इस बाघ को देखने के लिए कि कॉर्बेट साहब ने उसके शरीर को गांव लेके जाने का आदेश दिया। उन्होंने बोला कि केवल आप लोगों के पास 2 घंटे हैं, क्योंकि बाद में गर्मी की वजह से इसकी खाल जो है वो ख़राब होने लग जाएगी। कॉर्बेट को बाघों की खाल को रखने का शौक था, जिसे हम ट्रॉफी हंटिंग भी कहते हैं। अब जब सब ने इस बाघ को देख लिया तो गांव वालों ने कॉर्बेट साहब को बोला कि साहेब देखा, इसके पाँव में कोई भी घाव नहीं है। कॉर्बेट साहब ने उसकी खाल निकालनी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें कम से कम 20 से 25 पॉक्यूपाइन के कांटे उसके पाँव से बरामद हुए, और साथ ही में पीले रंग का पस भी निकल रहा था। वो कांटे उन्होंने गांव वालों को दिखाए और बाकायदा उन्हें सबूत दिया उस चीज़ का जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। तो यही कारण था इस बाघ के आदमखोर बनने का। जब वो चलता या दौड़ता तो उसे सही के कांटे चुभते, इसलिए इंसानों को उसने आसानी से पकड़ के अपना शिकार बनाया। कॉर्बेट साहब ने इसी बात पर एक सवाल उठाया कि एक लेपर्ड क्यों इतनी चालाकी से सही के कांटों से बच जाता है और उसका शिकार कर देता है। वो इसलिए कि लेपर्ड सीधा उसके मुंह पर हमला करता है और अपने पंजों को तिरछा करके नीचे से उस पर हमला करता है, जो बाघ नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि लेपर्ड घायल नहीं होता, लेकिन कांटे सिर्फ बाहर ही रह जाते हैं और अंदर उसके जिस्म में नहीं घुसते हैं। तो ये थी मोहन के आदमखोर की कहानी। अभी भी एक बाघ मोहन क्षेत्र में घूम रहा है जिसने लोगों की जान ली है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि किसी और की जान को नुकसान ना हो और उस बाघ की जान को भी नुकसान ना हो। इसी के साथ दोस्तों, मैं दोबारा से हाजिर हूँगा आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके, फ्रॉम जिम कॉबिट्सर्स बुक द मैनिटर्स ऑफ कुमाऊं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। शुक्रिया दोस्तों। गुड नाइट।